गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको हिंदी शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी देंगे कि हिंदी विषय में आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से जो यूनिट में टॉपिक हैं, प्रत्येक यूनिट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये हिंदी शिक्षा शास्त्र का बच्चों आपका 80 नंबर का पेपर होगा जो आपको करना है, और 20 नंबर की जो इंटरनल असेसमेंट होगी जो कॉलेज आपको देगा। कॉलेज की तरफ से 20 नंबर, 80 नंबर का पेपर आपको खुद करना होगा, तैयारी करनी होगी। पूरा जो पेपर है आपका 100 नंबर का होगा। समय 3 घंटे रहेगा। पेपर का जो स्टाइल रहेगा उसमें आपको 5 प्रश्न करने हैं। जो प्रथम प्रश्न है वो अनिवार्य रहेगा और वो 4 भागों में विभक्त होगा, क्योंकि आपके पूरे पाठ्यक्रम में 4 यूनिट हैं और चारों यूनिटों में से एक एक प्रश्न को सिलेक्ट करके 4 प्रश्न पहले प्रश्न में डाले जाएंगे, जिसको 1, 2, 3, 4 या क, ख, ग, घ के मुताबिक रखा जाएगा। चारों भाग टोटल 16 नंबर का होगा। जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो 16 नंबर का होगा, पर वो 4 भागों में बंटा हुआ होगा और चारों भाग 4-4 नंबर के होंगे। यानी कहने का भाव है कि प्रत्येक यूनिट में से, आपकी 4 यूनिट टोटल सिलेबस में हैं, चारों यूनिट में से एक एक क्वेश्चन सिलेक्ट करके फर्स्ट क्वेश्चन में रखा जाएगा, जो 4 नंबर के लिए एक जो टॉपिक होगा, और पूरे 4 होंगे तो 16 नंबर का आपका प्रथम प्रश्न बनता है। उसके बाद फर्स्ट यूनिट से 2 क्वेश्चन लिए जाएंगे, डाले जाएंगे पेपर में, जिसमें से आपको एक करना होगा, 16 नंबर का होगा। ऐसे ही दूसरी यूनिट में से भी 2 प्रश्न डाले जाएंगे, एक प्रश्न आपको करना होगा, 16 नंबर का होगा। ऐसे ही तीसरे में से एक करना होगा, 2 डाले जाएंगे, और चौथे में भी 2 प्रश्न आएंगे, आपको एक करना होगा। यानी उसमें आपके लिए विकल्प है, आपकी चॉइस है। तो टोटल चारों यूनिटों में से एक एक प्रश्न 16 नंबर का और चारों यूनिटों में से एक एक प्रश्न 4-4 नंबर का। इस प्रकार से आपका जो टोटल पेपर है वो 80 नंबर का होगा। समय 3 घंटे रहेगा, तो सभी प्रश्न होंगे जो वो समान अंक होंगे, 5 प्रश्न करने होंगे। इस प्रकार से जो आपकी फर्स्ट यूनिट यानी फर्स्ट इकाई है, उसमें पहला टॉपिक रहेगा मातृभाषा हिंदी का संप्रत्यय, प्रकृति व क्षेत्र। यानी इसमें हमें मातृभाषा का संप्रत्यय से भाव है, इसकी परिभाषा, इसका क्षेत्र, इसकी आवश्यकता, महत्व और इसकी प्रकृति, इसके बारे में हमें बताना होगा। उसके बाद है संविधान में हिंदी भाषा की स्थिति एवं वैश्वीकरण के संदर्भ में हिंदी भाषा का महत्व। यानी हिंदी संविधान में हिंदी भाषा की स्थिति क्या है, किस किस जो आर्टिकल्स हैं उनमें किस किस धारा के अंतर्गत हिंदी भाषा को क्या दर्जा दिया गया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। संविधान में स्थिति और वैश्वीकरण के संदर्भ में हिंदी भाषा का महत्व, यानी जो पूरा ग्लोबलाइजेशन है उसमें हिंदी भाषा की स्थिति और हिंदी भाषा के महत्व पर चर्चा इस क्वेश्चन में हम करेंगे। उसके बाद है ब्लूम द्वारा निर्धारित उद्देश्य का व्यवहारिक प्रयोग। प्रोफेसर बी एस ब्लूम ने जो अपना अनुदेशनात्मक उद्देश्य रखा है अधिगम से संबंधित, जिसमें भावात्मक, क्रियात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक 3 पक्ष रखे हैं, उन 3 पक्षों पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें जो 3 पक्ष विद्यार्थी के सीखने से संबंधित होते हैं। उसके बाद हिंदी में उच्चारण शिक्षण, अक्षर विन्यास, उच्चारण और अक्षर विन्यास संबंधित त्रुटि
और उन त्रुटियों के निवारण के उपाय और संशोधन में भाषाई प्रयोगशाला का महत्व, ये क्वेश्चन रहेगा इसमें कि हिंदी बोलते समय हमें किन किन जो ध्वनियों का है वो ध्यान रखना चाहिए, कैसे उच्चारण शिक्षण विद्यार्थियों को सिखाया जाए, अक्षर विन्यास ये हम रूपिम के अंतर्गत करेंगे, उच्चारण और अक्षर विन्यास संबंधी त्रुटि की विद्यार्थी लिखते समय और बोलते समय क्या क्या अशुद्धियां कर जाते हैं और वो अशुद्धियां क्यों करते हैं और उन अशुद्धियों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, और इस जो संशोधन में भाषाई प्रयोगशाला का क्या महत्व रहता है इस बारे में हम चर्चा करेंगे। बच्चों ये चार टॉपिक हैं जो आपकी फर्स्ट इकाई में हैं, फर्स्ट यूनिट में हैं। मातृभाषा का है, संविधान में मातृभाषा हिंदी की स्थिति और वैश्वीकरण के संदर्भ में उसका महत्व, और ब्लूम के निर्धारित अनुदेशनात्मक उद्देश्य का और व्यवहारिक प्रयोग, और उच्चारण शिक्षण, अक्षर विन्यास, वर्तनी विन्यास और अशुद्धि शोधन का टॉपिक रहेगा। ये बच्चों फर्स्ट यूनिट आपकी है। उसके बाद दूसरी इकाई में भाषाई कौशल और शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण का है, जिसके अंतर्गत भाषाई कौशलों का सामान्य परिचय, सामान्य ज्ञान, जिसमें श्रवण कौशल, पठन कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, भाषण कौशल और लेखन कौशल आता है। दो आपके अभिव्यक्त कौशल हैं, दो आपके ग्राह्य कौशल हैं। इन चारों कौशलों पर हम चर्चा करेंगे। भाषाई कौशलों में जो हम ग्रहण करते हैं, सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं, और अपनी अभिव्यक्ति जो हम करते हैं बोलकर या लिखकर करते हैं, इन सभी भाषाई कौशलों, चार ही भाषा कौशल हैं, इन सभी भाषाई कौशलों पर हम चर्चा करेंगे। ये आपका फोर्थ ए पेपर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के अंतर्गत भी भाषाई कौशलों का पूरा बनता है, उसमें भी हमारे भाषाई कौशल ही हैं, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम फोर्थ ए पेपर है। इन कौशलों के विकास में सहायक संसाधनों का प्रयोग, कि किन किन संसाधनों के माध्यम से भाषाई जो कौशल हैं इनको विकसित किया जा सकता है, विद्यालय पाठ्यचर्या पर आधारित शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के अंतर्गत गद्य और पद्य के में किसी भी उप विषयों का शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण, जिसमें 6 से 10 तक के पाठ्यचर्या होगी, यानी ये हमारा एक तरह से लेसन प्लान का विषय होता है, पाठ्यचर्या का विषय होता है, गद्य और पद्य की किस प्रकार से रूपरेखा तैयार की जाती है इस बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद है शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के अंतर्गत ही संप्रत्यय की पहचान, उद्देश्य रेखांकन, प्रयोजनात्मक क्रियाओं को सूचीबद्ध करना और मूल्यांकन तकनीक का निर्धारण करना। इस प्रकार से बच्चों ये हमारा सेकंड यूनिट कवर हो जाती है। सेकंड यूनिट में भी आपके ये चार भाषाई कौशल हैं, और चार भाषाई कौशलों के बाद शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण है और गद्य और पद्य से संबंधित है। थर्ड इकाई के अंतर्गत पाठ योजना, पाठ योजना का अर्थ, महत्व, रूपरेखा और निर्माण, जिसमें कंप्यूटरीकृत और सूचना तकनीकी के सहयोग से हम इसको करेंगे, यानी पाठ योजना, क्योंकि कक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पहले अध्यापक पढ़ाने के लिए अपने विषय की जो योजना तैयार करता है, अपना जो उप विषय तैयार करता है, उसके बारे में ये पूरी चर्चा करेंगे। पाठ योजना के बाद है हिंदी भाषा शिक्षण में विधियां और अभ्यास कार्य। इस विधियां और अभ्यास कार्य के अंतर्गत गद्य शिक्षण, गद्य शिक्षण विभिन्न विधाओं के रूप में है, गद्य शिक्षण में विभिन्न विधाएं, जिसमें कि अलग अलग विधा होती है, जैसे कोई निबंध है, कहानी है, पत्र है, लेखन है, जीवनी है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, ये इस प्रकार की जो सारी जो है वो गद्य की शिक्षण विधियों के अंतर्गत आता है।
पद्य शिक्षण में काव्य शिक्षण का जिक्र आता है, व्याकरण शिक्षण में व्याकरण नियमावली पर आधारित है और रचना शिक्षण के अंतर्गत भी कहानी पत्र और निबंध के रूप में हम इसकी पाठ्य योजना तैयार करना सीखेंगे। ये थी बच्चों आपकी इकाई नंबर 3। और चौथी इकाई में पाठ्यक्रम निर्माण और समीक्षा की, पाठ्यक्रम में क्या क्या गुण हैं, क्या क्या दोष हैं, किस प्रकार से पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए और किस प्रकार से पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के लिए तैयार किया जाता है, इसकी चर्चा करेंगे। पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं और माध्यमिक स्तर पर हिंदी पाठ्यपुस्तक की समीक्षा, इसकी हम गुण और दोष दोनों की चर्चा करेंगे कि पाठ्यपुस्तकों में क्या क्या गुण होने चाहिए और वर्तमान पाठ्यपुस्तकों में कितने गुण हैं, कितने दोष हैं, इसका भी हम आलोचनात्मक समीक्षा करेंगे। उसके बाद है विद्यार्थी उन्नयन मूल्यांकन के अंतर्गत आधुनिक मूल्यांकन टेक्निक्स पर आधारित जो कार्यक्रम है वो रहेगा कि विद्यार्थियों की जो परीक्षाएं हैं, जो विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है, उनके आधार क्या रहते हैं और किस प्रकार से होना चाहिए। उसके बाद है प्रश्न पत्र निर्माण। प्रश्न पत्र निर्माण में उद्देश्यवार, प्रश्नवार, प्रकरणवार और अंक विभाजन और ब्लूप्रिंट का निर्माण और प्रश्न पत्र का विश्लेषण, ये विषय हमारा रहेगा कि प्रश्न पत्र का क्या उद्देश्य होता है, प्रश्न पत्र में किस प्रकार से प्रश्नों की संख्या रखी जाए, किस प्रकार से प्रश्नों को प्रकरण वाइज रखा जाए और अंक विभाजन कैसे दिया जाए, प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न पत्र का निर्माण करना और प्रश्न पत्र का विश्लेषण करना कि वो कितना सही है कितना सही नहीं है। ये थी बच्चों आपके पूरा जो हिंदी में जो विषय है, जो भी जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी उप विषय हैं, उनकी चर्चा हमने आपको की। क्रियात्मक जो क्रियाएं हैं उसके अंतर्गत जो भी प्रयोगात्मक जो हम करेंगे, किसी भी साहित्यकार की किसी भी विधा का आलोचनात्मक अध्ययन जो हमारा कक्षा कक्ष कार्य रहेगा और हिंदी शिक्षण में जो मनोरंजनात्मक क्रियाएं होती हैं, मनोरंजन की जो क्रियाएं होती हैं जिसमें अक्षर शब्द अंताक्षरी है, दोहा अंताक्षरी है, पहेलियां हैं, उनका आयोजन करना और हिंदी शिक्षक के लिए वांछित जो योग्यताएं हैं, व्यावसायिक जो उसकी दक्षता निपुणता है योग्यता है और उसके संभावित जो कार्यक्षेत्र हैं उनका ज्ञान, ये जो प्रयोगात्मक क्रियाएं हमारी रहेंगी। जब आपकी कक्षाएं शुरू हो जाएंगी तब ये प्रयोगात्मक जो क्रियाएं हैं वो की जाएंगी। उससे पहले जो भी आपके पाठ्यक्रम में हैं उसकी एक एक वीडियो बनाकर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और जब तक क्लासेस नहीं लगती आप अच्छे से वीडियोस को ध्यान से सुनें और अपने पुस्तकों से या वीडियो को देख के अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि तैयारी करके ही आप अच्छे से बीएड में सफलता प्राप्त कर सकोगे, अच्छे से अंक अर्जित कर सकोगे। तो बच्चों आज हमने आपको हिंदी का शिक्षा शास्त्र से संबंधित पाठ्यक्रम में आने वाले जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी उसके उप विषय हैं, उनकी चर्चा आपके पास की। तो नेक्स्ट पीरियड में हम इन टॉपिक का आरंभ करेंगे जिसमें फर्स्ट या पहली इकाई का जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा मातृभाषा हिंदी का संप्रत्यय, प्रकृति और क्षेत्र, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।